हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स देख रहे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए यूनिट सेकंड शुरू की थी स्टीरियो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो उसमें आज हमारा हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने केवल क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि समावयवता कितनी प्रकार की होती है, उनका इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हमने कहा था कि हम समावयवता और हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितनी तरह की रिप्रेजेंटेशन का हम उपयोग करते हैं। तो हमने 4 तरह की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, फिशर, वेज और तुम्हारी न्यूमैन और साहर्स। इतनी सारी हमने 4 रिप्रेजेंटेशन देखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री, एक्चुअल स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, त्रिविम समावयवता को पढ़ना है डिटेल में। यानी कि प्रकाशिकी 2 तरह की होती है, एक तो विन्यासी और एक संरूपण। तो विन्यासी और संरूपण दोनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है ना। तो हमको देखना है कि विन्यासी समावयवता 2 तरह की होगी, प्रकाशिक और ज्योमेट्रिकल, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। विन्यासी समावयवता पढ़ने से मतलब क्या है, हमको ज्योमेट्रिकल और क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमें, अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है त्रिविम समावयवता के अंतर्गत। इसमें बहुत टाइम लगेगा। त्रिविम समावयवता के अंतर्गत 2 तरह की समावयवता पढ़नी है, एक तो पढ़नी है विन्यासी संरूपण। संरूपण में से आपके एग्जाम में केवल कुछ ही चीज आती है, जैसे कि इसका आएगा, इसके संरूपण आएंगे और ब्यूटेन का आएगा, इथेन और ब्यूटेन। संरूपण में हम ये संरूपण समावयवता में हम केवल ये तो पढ़ेंगे, ब्यूटेन और इथेन। लेकिन विन्यासी समावयवता में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल, दो पढ़ेंगे हम, दो पार्ट्स में ऑप्टिकल प्रकाशिक और एक ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय। ऑप्टिकल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हम इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कायरेलिटी क्या होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके लिए कायरेलिटी पढ़ेंगे हम, सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सिमेट्री एलिमेंट पढ़ना है हमें, इनेंसियोमर्स हमें ये देखना है, इनेंसियोमर्स और डाया स्टीरियो आइसोमर्स। डाया स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इनेंसियोमर्स क्या होते हैं, हमें क्या देखना है, हमें आर एस डी और एल नोमेनक्लेचर पढ़ना है। कैसे हम मॉलिक्यूल को आर एस या डी एल, डी एल आर एस नामकरण कैसे करते हैं, डी एल नामकरण कैसे करते हैं, ये पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें और क्या पढ़ना है, हमें तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, इरीथ्रो इरीथ्रो थ्रियो ये वाला नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है कि कब हम इरीथ्रो और थ्रियो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आर एस डी एल इरीथ्रो थ्रियो इनेंसियोमर्स डाइस्टीरियोसोमर्स सिमेट्री एलिमेंट्स कायरेलिटी, ये सब कुछ पढ़ना है। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमें सिस ट्रांस और एक हमें पढ़ना है ई जेड। 2 तरह के नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, एक तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक ई जेड नोमेनक्लेचर। तो अभी ये इसका मतलब असली स्टीरियोकेमिस्ट्री तो अब शुरू होगी। ठीक है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन था, जितने भी हमने कुछ पढ़ा है अब तक वो सब क्या था, इंट्रोडक्शन था। देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप में, आपके सिलेबस में है और ये आ भी सकता है, पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में कि विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता में अंतर क्या है। अंतर सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, विन्यासी तथा संरूपण समावयवता में अंतर, डिफरेंस क्या डिफरेंस है। तो दो कॉलम बना लेते हैं, डिफरेंस करना है तो एक तरफ हम लेंगे विन्यासी समावयवता और एक हम लेंगे संरूपण समावयवता। देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ,
एक डिफरेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं विन्यासी और संरूपण में, जब उनकी डेफिनेशन लिखाई थी कि जो संरूपण समावयवता है ये किस में पाई जाती है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए मॉलिक्यूल हैं उनमें किसकी वजह से होती है, मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन। अगर मॉलिक्यूल के अंदर फ्री रोटेशन है, मुक्त घूर्णन है, तो वो अलग अलग विन्यास ग्रहण कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है, कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां पर तो अलग अलग संरूपण बन रहे हैं, यानी अलग अलग आइसोमर बन रहे हैं, किसके थ्रू, रोटेशन के थ्रू। अगर रोटेट कर जाए मॉलिक्यूल तो ये अलग संरूपण होगा जब ऐसे होगा, और जब सामने होंगे तो ये अलग संरूपण होगा। तो आइसोमर एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं किसके द्वारा, मुक्त घूर्णन के द्वारा। ठीक है, मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है तथा तथा एक समावयव दूसरे समावयव में परिवर्तित होता है। मुक्त घूर्णन की वजह से एक समावयव क्या करेगा, दूसरे समावयव में परिवर्तित होता है। अगर यहां देखें विन्यासी समावयवता में मैंने बताया था यहां पर मुक्त घूर्णन नहीं होते, क्योंकि यहां पर क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे जिससे वो घूर्णन नहीं कर सकते, या तो फिर सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि वहां पर उनकी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम उसको मुक्त घूर्णन करा सकें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इनमें मुक्त घूर्णन नहीं होता। तो सब तो समावयव का परिवर्तन कैसे होगा, यहाँ पर केवल एक ही तरीका है, बॉन्ड को तोड़ो और बॉन्ड को जोड़ो। यानी कि अगर मुझे एक समावयव को दूसरे समावयव में परिवर्तित करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का टूटना, उसके द्वारा एक समावयव दूसरे समावयव में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह समावयवता किसके कारण, ये मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है और ये प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, यहां पर घूर्णन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है तथा एक समावयव का दूसरे में परिवर्तन बंद के टूटने, जिसे बोलते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन द्वारा होता है। यहां पर फ्री रोटेशन, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर रोटेशन से दूसरे समावयव में परिवर्तित हो जाएंगे, यहां पर हमको अगर दूसरा समावयव बनाना है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर बॉन्ड को तोड़ेंगे उसको दूसरी तरफ जोड़ेंगे तब जाकर कहीं हमारा दूसरा समावयव प्राप्त होगा। अगला चेन देखें, अगला डिफरेंस क्या है, अगर मान लो इसके दो समावयव रूप हैं, ठीक है, अगर मुझे उनको पृथक करना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कहां पर कम एनर्जी। तो यहां पर लिख सकते हैं इनके समावयवों को, यहां से लिखें पृथक क्या, इनको बनाना ही है, एक समावयव को दूसरे समावयव। अब आप कह रहे हो ये फ्री रोटेशन हो रही है, वो प्रतिबंधित घूर्णन हो रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा, ये जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर एनर्जी तो लगती ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा डिफरेंस कि कितनी एनर्जी कहाँ पर लगती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एनर्जी जो लगती है वो 100 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर किलो जूल पर मोल में लेंगे तो 100 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर कब, यहां पर तो केवल 60 किलो जूल पर मोल
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एक समावयव को दूसरे में चेंज करना है तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी जबकि यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी। ऐसा क्यों है भाई, इसमें एनर्जी ज्यादा क्यों है, इसमें एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई बॉन्ड टूट थोड़ी ना रहा है, यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, बॉन्ड को घुमाना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए जिसके लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो बॉन्ड को तोड़ना है। और अगर बॉन्ड को तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और यहाँ पर कम एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि यहाँ तो केवल रोटेशन होना है जबकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर तो बॉन्ड टूटता है जिसमें हमें किसकी जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो दूसरा अंतर तो ये है। तीसरा अंतर देखें, अगर हमें पृथक करना है, यानी कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसमें दोनों इसके समावयव भी लिए गए हैं, इसके अलग अलग समावयव भी एक ही सॉल्यूशन में लिए गए हैं, और आपसे कह दिया जाए कि इसमें से समावयवियों को पृथक करो, तो कहाँ पर पृथक करना ज्यादा आसान होगा? तो यहाँ पर ले सकते हैं, इन समावयवियों को पृथक करना आसान होता है, इन समावयवों को पृथक करना आसान होता है, जबकि यहां पर इन समावयवियों को पृथक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, यहाँ आसानी से पृथक हो जाते हैं, यहाँ पर मुश्किल से पृथक होते हैं, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्या हो रहा है इसमें? तो मैंने बताया जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुक्त घूर्णन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन हो रहा है जिसमें एनर्जी भी कम लग रही है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत फास्ट फास्ट रोटेशन करेगा, यानी कि ऐसा है बहुत जल्दी ऐसा चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा ऐसे चेंज होगा, यानी कि ये जो रोटेशन है ये बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि एक समावयव दूसरे में, दूसरा समावयव पहले में, ऐसे चेंज होता ही रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। और जब एक समावयव को हम पृथक करने जाएंगे, जब तक हम एक समावयव को पृथक करने जाएंगे तब तक तो वो दूसरे में चेंज हो जाएगा, दूसरे को पृथक करने जाएंगे तब तो वो पहले में चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से ये पृथक होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरचेंज है, परिवर्तन है एक दूसरे में, वो बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन इनकी बात करें तो यहाँ पर जो एक समावयवी का दूसरे में परिवर्तन है वो फास्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पर परिवर्तन तो यहाँ पर भी होगा एक समावयवी का दूसरे में, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो रहा होगा, बहुत स्लो हो रहा होगा, यानी कि हम यहाँ पर आसानी से, इतना स्लो हो रहा होगा कि हम एक समावयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इन्हें इजीली पृथक कर सकते हैं, इन्हें पृथक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं इनके बीच में, ठीक है। अगर देखें विन्यासी समावयवता की बात करें तो ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये दो तरीके की होती है। एग्जाम्पल क्या है, एक तो जिनमें क्या हो, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच प्रतिबंधित घूर्णन हो, डबल बॉन्ड हो, यानी कि ऐसे समावयवियों को क्या कहते हैं, ज्यामितीय, ये कहते हैं सिस ट्रांस वाले होंगे जो ज्यामितीय समावयवी कहलाएंगे। इसके अलावा एक होते हैं जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं, बताया था ना विन्यासी समावयवता दो तरह की होती है, प्रकाशिक और ज्यामितीय। तो इसके एग्जाम्पल में भी कौन आएंगे, या तो सिस ट्रांस वाले आएंगे ज्यामितीय वाले, या ऐसे आएंगे जिनमें क्या होगा, काइरल सेंटर होता है, बताया था मैंने पिछली बार काइरल सेंटर क्या होता है। और आगे हम जब प्रकाशित समावयवता को डिटेल पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि काइरल सेंटर क्या होता है, आप खुद निकालना सीख जाएंगे कि कहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो एक ऐसा कार्बन जिससे क्या जुड़े हुए हों, अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, एक ऐसा कार्बन जिससे सारे समूह क्या हों, अलग अलग जुड़े हुए हों, तो वो क्या होता है, ये क्या कहलाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्रुवन घूर्णक होगा। तो एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा इसकी मिरर इमेज होगी, दूसरा क्या होगा, इसकी मिरर इमेज होगी।
और जब मैं इन दोनों को आपस में अध्यारोपित करूंगी तो इनका अध्यारोपण नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर काइरल सेंटर है तो ये कैसे समावयवी है, ये प्रकाशिक समावयवी है, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रकाशिक समावयवी क्या करते हैं, अगर मैं इन पर ये और इसकी मिरर इमेज पर क्या करूं, पीपीएल डालूं, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश डालूं, तो एक क्या करेगा, एक क्लॉकवाइज घुमा देगा। मान लो ये वाला क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन रोटेशन अलग अलग होगी, एक लेवो होगा तो एक डेक्स्ट्रो होगा, है ना, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी, एक लीवो फॉर्म होगी, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये सब एग्जांपल है किसके, विन्यासी समावयवता के। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ये किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एल्किन्स, एल्किन्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जैसे जैसे इथेन, जैसे ब्यूटेन, ये सब कुछ हमें पढ़ने हैं। तो ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इन्हें पढ़ना, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, हमने भी एक नाम लिया था PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, जब हमने इनके बारे में जाने इनका डिफरेंस देखा तो समतल ध्रुवित प्रकाश भी जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या होता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट देख लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट जो नॉर्मल प्रकाश होता है, उसके कंपन अगर हम देखें, उसमें जो कण होते हैं उनके कंपन जो होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं, यानी कि वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो नॉर्मल लाइट होती है उसके कंपन सभी दिशा में होंगे, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है हमारी नॉर्मल लाइट है, एक इसके कंपन क्या है सभी दिशाओं में। लेकिन जब हम इसे प्रिज्म में से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म, तो केवल क्या होता है, तो हमें एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जिसके कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं। क्या प्राप्त होता है, ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें कंपन केवल क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। तो ऐसी लाइट जिसमें कंपन केवल कहाँ हो रहे हो, एक ही दिशा में हो रहे हो, उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्रकाश जो केवल, यानी कि हम डेफिनेशन इसकी, वह प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपन करता है, एक ही तल में कंपन करता है, उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। वह प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं, पहले देख लेते हैं, एक हमारे पास नॉर्मल लाइट है, इसमें कंपन कहाँ हो रहे हैं, सभी दिशाओं में हो रहे हैं, इसकी कंपन कहाँ है, सभी तलों में, सभी दिशाओं में। फिर मैं इसे क्या करूंगी, एक प्रिज्म में से पास करूंगी इसे, किसमें से, एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिज्म होगा, इसमें से पास करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर प्रिज्म से बाहर निकलकर जो हमको लाइट पास प्राप्त होगी, यहाँ पर क्या होता है, डबल प्रिज्म हम यूज करते हैं, ये एक प्रिज्म लिया है, डबल प्रिज्म, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, एक प्रिज्म ऐसे है और एक प्रिज्म ऐसे है, ठीक है, दो प्रिज्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसमें से गुजरती है लाइट, जब बाहर निकलती है तो हमें एक ऐसी लाइट प्राप्त होती है जिसके कंपन जो होते हैं केवल क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। फिर क्या करते हैं, यही जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको हम क्या करते हैं, हमारा कोई सैंपल लिया, जो भी हमने पदार्थ बनाया था उसमें ने उसका सैंपल लिया, इसमें से प्रवाहित करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो गया, अब इसमें से प्रवाहित करेंगे तो जो लाइट निकलेगी वो हम देखेंगे, ये तो सीधी थी, अब ये क्या है, लाइट जो है वो किसी एंगल पर घूमी हुई है,
यानी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी कि जो हमारा समतल ध्रुवीय प्रकाश था वो क्या हो गया, जिस एंगल पे मौजूद लाइट डाली गई थी उससे क्या हो गई, रोटेट हो गई लाइट, बढ़ भी सकता है, एंगल क्या हो सकता है, रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो किसी एंगल पर क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर मॉलिक्यूल के अंदर हमें रोटेशन मिलती है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है अगर कोई मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इसमें से यहाँ पर क्या लगा रहता है, यहाँ पर एनालाइजर लगा रहता है जो देख रहा है कि प्रकाश रोटेट हुआ भी है या नहीं, अगर रोटेट हुआ है तो जो हमारा पदार्थ है वो ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव को ध्रुवण घूर्णक, तो हमारा पदार्थ क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक है, अगर नहीं घुमा पाता है जैसी लाइट हमने डाली थी वैसी हमें प्राप्त होती है, इसका मतलब ध्रुवण घूर्णक नहीं है, ये क्या है, ये है हमारी ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य प्रकाश जिसमें से गुजारा, इसको बोला जाता है पोलराइजर, ठीक है, पोलराइजर यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, और निकोल प्रिज्म को यहां पर क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म को यानी कहते हैं निकोल प्रिज्म क्या करता है, पोलराइजर, पोलराइजर का काम करता है, पोलराइजर मतलब पोलराइजर वो जो लाइट को पोलराइज कर दे, यानी कि उसको क्या कर दे, ध्रुवित, ध्रुवित कर दे, तो किसका कार्य करता है, पोलराइजर जिसको बोलते हैं ध्रुवण का कार्य करता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं प्रकाश का जिस तल में घूर्णन होता है, प्रकाश का जिस तल में घूर्णन होता है उसे उसे क्या कहते हैं, उस तल को यानी प्रकाश जिस भी तल में घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस तल को क्या कहते हैं, उस प्लेन को क्या कहते हैं, उस तल को कहते हैं, उसको कहते हैं ध्रुवण घूर्णन तल कहते हैं, ठीक है, तो PPM से हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें PPL प्राप्त हुई, ठीक है, पहले तो ऑर्डिनरी लाइट लेंगे सामान्य प्रकाश, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे, फिर जैसे वो प्रिज्म में से पास होगा तो उसका क्या होगा, एक हमें एक ऐसी लाइट मिलेगी जिसके क्या कहते हैं कंपन केवल क्या है, एक ही तल में है, तो क्या होगा वहां पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख रहे होंगे, अगर ये जो सैंपल है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ये जैसी लाइट मिली है यहाँ पर एक एंगल पर फिक्स होता है एनालाइजर, ये जो लगा हुआ है ये क्या होता है, किसी एक एंगल पर फिक्स होता है जहां से हमको ये लाइट दिखती है ना, फिर हम देखेंगे जैसे ही जब सैंपल नहीं था तब वहां पर लाइट दिख रही थी है ना, सीधी सीधी लाइट दिख रही थी, लेकिन जैसे ही सैंपल में से गुजारा तो उसी एंगल पर हमने जिस एंगल पर फिक्स करके रखा हुआ था जहां से हमें ये लाइट दिख रही थी, जब सैंपल हमने नहीं लिया था, ये नहीं लिया था तो ये किसी एंगल पर फिक्स करके रखा होगा, हमने देखा होगा, आपने देखा है ना माइक्रोस्कोप होती है जैसे, तो उसमें हम सेट करते हैं ना किसी फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही एनालाइजर को सेट करके रखा होगा किसी एंगल पर जहाँ पर ये PPL दिखाई दे रही थी, जब कोई पदार्थ हमने यहाँ पर नहीं रखा था, सैंपल नहीं रखा था, लेकिन जैसे सैंपल रखा और सैंपल में से लाइट गुजरी तो हमने वो तो फिक्स था एंगल जहाँ पर पहले हमें लाइट दिखाई दे रही थी, अब हमने देखा हमें लाइट दिखाई नहीं दे रही, फिर हम क्या करेंगे, उसका एंगल घुमा के रोटेट करके देखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होकर हमें लाइट दिखने लगी, जैसे हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया हमें लाइट दिखने लगी तो इसका मतलब उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, या फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज से नहीं दिखी तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमने दिखा हमें लाइट दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, तो उसमें क्या कैसी रोटेशन हो रही है PPL की, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी है मॉलिक्यूल ने, क्या कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दी है, तो यहाँ पर क्या होंगे, दो समावयव भी होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज, तो एक होगा लीगो रोटेटरी, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा लीगो रोटेटरी, जो क्लॉकवाइज घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, तो इनका एंगल तो सेम ही होगा, मान लो एक ने घुमाया प्लस 20 डिग्री, तो जो एक लीगो होगा एक क्या होगा, एक होगा डेक्स्ट्रो एक होगा लीगो, इसने +20 घुमाया तो ये कितने डिग्री पे घुमाएगा, -20 डिग्री, एक +20 डिग्री पे घुमा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है -20 डिग्री पर घुमा रहा है, यानी कि एंगल तो सेम रहेगा बस साइन चेंज हो गया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी एंगल पर घुमा रहा होगा
मान लो एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +20 degree पर दिख रही है हमें लाइट, तो एक में माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 degree पर दिख रही है। तो बस माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज घुमाया है लाइट को या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो इस तरह से जो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ होते हैं वो PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं और हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। इसको हम सिर्फ मॉलिक्यूल हमें पदार्थ दे दिया, हम उसको देखकर नहीं बता सकते कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। यानी ये जो काम है ये एक्सपेरिमेंटल है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल होगा।